हाय स्टूडेंट, वेलकम टू आरसीआई एजू हब ऑनलाइन क्लासेज क्लास 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी चैप्टर 4 टॉपिक कृत्रिम नियंत्रण आर्टिफिशियल कंट्रोल। कृत्रिम नियंत्रण में फर्स्ट विधि जो थी वो भौतिक नियंत्रण। इसके बारे में हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ लिया था। आज जो पॉइंट रहेगा इसका, दूसरी विधि जो है इसमें यांत्रिक नियंत्रण। लास्ट क्लास के अंदर भौतिक नियंत्रण जो पढ़ा उसके अंदर भौतिक साधनों का उपयोग करके कीटों का नियंत्रण किया गया था। यहाँ पर यांत्रिक साधनों का उपयोग करके कीटों को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें मानव के द्वारा हस्त या हस्तचालित जो उपकरण होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। ये हाथों के द्वारा या फिर हाथों से चलाए जाने वाले ऐसे उपकरण जो कीटों के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उनका उपयोग इसमें किया जाता है। इसमें सबसे पहले हाथों से अंडों एवं कीटों को एकत्रित करके नष्ट करना। फर्स्ट जो विधि है हाथों से अंडों को एवं कीटों को एकत्रित करके नष्ट करना, इस विधि का उपयोग ऐसे कीटों पर किया जाता है जो समूह में अंडे देते हैं और कम क्षेत्रों में उपस्थित रहते हैं। यानी कि ऐसे कीट जो समूह में रहकर अंडे देते हैं तो वहाँ पर अंडों को एकत्रित करके सीधे ही हाथों से नष्ट कर दिया जाता है। ये समूह के अंदर बहिर्गमन करते हैं, बाहर उड़ते हैं, तो हाथ से बनाए हुए जो जाल होते हैं उनके द्वारा इनको एकत्रित करके नष्ट कर दिया जाता है। इसमें सब्जियों एवं बागवानी छोटे क्षेत्र ऐसे क्षेत्रों के अंदर यह उपयुक्त होती है। सेकंड आता है इसमें हस्तजाल। उड़ने वाले जो कीट होते हैं, उनको जाल के माध्यम से पकड़कर उनको नष्ट कर दिया जाता है। जैसे इसके अंदर आता है हरातेला, छाल, भ्रंग, मिलीबग, ऐसे कीटों को इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। थर्ड आता है बाड़ लगाना। फसलों पर लगने वाले ऐसे कीट जो रेंगकर चलने वाले कीटों का नियंत्रण करने के लिए खेतों के चारों ओर बाड़ लगाई जाती है, जिससे वो एक खेत से दूसरे खेत के अंदर नहीं जा पाते और उनको आसानी से नष्ट किया जा सकता है। इसके बाद खाई खोदना। ऐसे कीट जो फुदक कर चलते हैं
फुदककर चलने वाले कीट जो होते हैं उनको खेत के चारों तरफ, खेत उसके चारों तरफ खाई खोदते हैं, जिससे ये एक खेत से दूसरे खेत की तरफ जब गमन करते हैं तो इन खाइयों के अंदर गिरकर एकत्रित हो जाते हैं और ऊपर से रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके इनको नष्ट कर दिया जाता है। खाई जो खोदी जाती हैं 30 से 60 सेंटीमीटर चौड़ी और गहराई जो होती है वो 60 सेंटीमीटर की होती है। इसमें खुद का जो कीट होता है उसका नियंत्रण किया जाता है। इसके अलावा इसमें कातरा कीट की लट उसका नियंत्रण इसमें किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर जो आता है वृक्षों पर अल्ट्रा थीन की चादर लगाना, वृक्षों पर अल्ट्रा थीन की चादर लगाना। इस विधि का जो उपयोग किया जाता है आम के वृक्षों पर, जिसमें मुख्य रूप से चूर्णी मत्कुण कीट का नियंत्रण किया जाता है। इसमें पौधे का जो तना पाया जाता है इस तने के 50 सेंटीमीटर ऊपर अल्ट्रा थीन की चादर लगाई जाती है। क्योंकि चूर्णी मत्कुण जो कीट होता है ये तने के माध्यम से पौधे में ऊपर जाकर नुकसान पहुंचाता है, तो इसलिए पौधा जो पाया जाता है इसमें जो दरारें होती हैं उन दरारों को मिट्टी के माध्यम से भर दिया जाता है, प्लेन कर दिया जाता है और उसके बाद इसके ऊपर अल्ट्रा थीन की चादर लगाई जाती है जो कि बहुत ही चिकनी होती है, जिससे इस पर जब ये चढ़ता है तो ऊपर की ओर चढ़ नहीं पाता और फिसल कर वापस नीचे गिर जाता है। तो इस प्रकार से जो आम के वृक्ष जो होते हैं उनको चूर्णी मत्कुण जो कीट होता है उसके प्रकोप से बचा सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि अल्ट्रा थिन की चादर हम नहीं लगाते हैं तो ग्रीस या चिकने जो पदार्थ होते हैं इन पदार्थों को पेड़ के तने पर लगा दिया जाता है और कीट जो होते हैं वो इनसे चिपक जाते हैं और चिपक कर नष्ट हो जाते हैं या फिर इनके ऊपर की ओर नहीं पहुंच पाते। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है पास। पास जो होते हैं वो एक प्रकार के फंदे होते हैं से कीट जो है उनकी ओर आकर्षित होकर एकत्रित हो जाते हैं और उनको नष्ट कर दिया जाता है। पास तीन प्रकार के हैं, प्रकाश पास, चिकने पास, फिरोमोन पास। प्रकाश पास जो होते हैं इनका उपयोग सायंकाल
प्रातःकाल में किया जाता है, जिससे रात्रिचर या फिर शाम के समय में निकलने वाले जो कीट होते हैं उनको नष्ट किया जाता है। इसमें सर्वप्रथम खेत में प्रकाश पास को लगाया जाता है और इसको एक बड़े बर्तन में रखते हैं। बड़े बर्तन के अंदर जल और कीटनाशक 5:95 इसके 5:95 के अनुपात में इसको मिलाकर रखते हैं। ये जो कीट होते हैं ये शाम को बहिर्गमन के समय उड़कर बाहर आते हैं। 7:30 से 10:30 के बीच ये बाहर आते हैं तो ये प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं और आकर्षित होने से ये वहाँ पर एकत्रित होकर इस बर्तन के अंदर गिरते हैं जिसमें कीटनाशक मिला होता है और उसके अंदर जाकर ये नष्ट हो जाते हैं। इसके अंदर मुख्य रूप से जो पदार्थों का उपयोग किया जाता है प्रकाश पास में, मर्क्यूरी वेबर बल्ब, और अल्ट्रावायलेट दो होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा उपयोग जो किया जाता है वो मर्क्यूरी वेबर बल्ब जो होता है उसका किया जाता है। सेकंड आता है चिकने पास, इनका उपयोग जो होता है वो डैशबोर्ड टाट बोरों पर चिकने पदार्थों को लगाकर खेतों में लगाया जाता है, जिससे उड़ने वाले जो कीट होते हैं वो इनके संपर्क में आकर इन पर चिपक जाते हैं और लंबे समय तक चिपके रहने से ये नष्ट हो जाते हैं। लास्ट फिरोमोन पास, फिरोमोन जो है वो एक लैंगिक हार्मोन होता है जो नरवे मादा को, मादा कीट जो होते हैं उनको आकर्षित करता है। यहाँ पर इस लैंगिक हार्मोन जो है, आकर्षक जो हार्मोन है, इसको उपयोग करने से कीट इसकी ओर आकर्षित होते हैं और वे जाल में फंस जाते हैं और उनको वहाँ पर नष्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो पास हैं उनके माध्यम से भी कीटों को नष्ट किया जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर अन्य क्रियाएँ आती हैं, कुछ अन्य क्रियाएँ हैं जिनके माध्यम से कीटों को नष्ट किया जाता है। अन्य क्रियाएँ बेर मक्खी, जो कि तने के अंदर, तने या टहनियों में सुरंग बनाकर रहते हैं, नुकीले तार, नुकीले तारों का उपयोग कर, नुकीले तार जो होते हैं उनको इस सुरंग के अंदर डालकर घुमाया जाता है, जिससे कीटों की जो अवस्था उसके अंदर पाई जाती है वो अवस्था उसमें नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से यांत्रिक जो क्रियाएं हैं उनके माध्यम से कीटों का किस प्रकार से नियंत्रण किया जाता है उसकी सभी विधियां जो हैं वो कंप्लीट होती हैं। बाद इसमें और देखेंगे। सबसे पहले इसके अंदर हाथ से
अंडों व कीटों को एकत्रित कर नष्ट करना। सेकंड विधि जो आती है इसमें वो आती है हस्तजाल द्वारा कीटों का उपयोग करना। बाड़ लगाकर ताता है खाई खोदना। फिफ्थ अल्ट्रा थिन की चादर लगाना वृक्षों पर। सिक्स है पास। पास में फर्स्ट प्रकाश पास, सेकंड चिकने पास, थर्ड फिरोमोन, और लास्ट है इसमें अन्य क्रियाएं। सभी का उपयोग करके जो कि कहीं ना कहीं हस्त और या हस्तचालित उपकरणों का उपयोग करके इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल दी आर्टिफिशियल तो यांत्रिक जो नियंत्रण है वो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। धन्यवाद।